फिरोज खान की मुश्किलात में हुआ इजाफा। अलीज़े शाह के अदाकार और शोहर फिरोज खान पर संगीन इल्जामात। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक अदाकार फिरोज खान और उनकी बीवी के दरमियान अलहदगी की खबरें जेरे गर्दिश हैं। आज अदालत में हुई कार्रवाई के दौरान फिरोज खान ने जब अपने बच्चों से मुलाकात की तो फिरोज का बेटा अपने बाप को देखकर फूट फूट कर रोने लगा, जिसके बाद अलीज़े सुल्तान ने अदालती कार्रवाई के दौरान अपने शोहर फिरोज खान पर इल्जामात की बौछार कर दी। अलीज़े सुल्तान का कहना था कि मैं किसी सूरत अपने बच्चों को फिरोज खान के हवाले नहीं कर सकती और ना ही मैं उनको फिरोज खान से मिलने देना चाहती हूँ। ये उस वक्त कहाँ था जब मेरे बच्चों को अपने बाप की ज़रूरत थी। इसके अलावा अलीज़े सुल्तान का इल्ज़ाम है कि फिरोज एक वहशी आदमी है, मुझे रोज़ मारता पीटता था, जिसकी वजह से मैं पहले भी अपने वालदैन के घर आ चुकी हूँ, मगर अब बात बहुत आगे निकल गई है। इस इंसान ने अपना रवैया नहीं बदला और एक दिन गुस्से की हालत में मुझ पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद अब मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं और मेरे बच्चे फिरोज से अलग हो जाएं। साथ ही साथ अलीज़े सुल्तान का कहना था, मुझ पर तशद्दुद के गवाह मोहल्लेदार भी हैं जो अक्सर शोर सुनकर घर आ जाते थे, जबकि अदाकार फिरोज खान ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात की तर्दीद की है, जबकि अदालत ने अगली कार्रवाई तक फिरोज खान को बच्चों से मिलने से रोक दिया है। इसके बाद अलीज़े सुल्तान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिस पे उन्होंने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया है।